अमेठी की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि शायद राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन अब राहुल गांधी रायबरेली से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और राहुल गांधी की जगह उन्हीं के साथ काम करने वाले केएल शर्मा अब अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मैं जहां पे हूं ये अमेठी है और ये अमेठी स्मृति ईरानी जी का घर है। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं और स्मृति जी के साथ एक बार इसी जगह बैठ के इंटरव्यू कर चुका हूं और तब हम लोगों ने अमेठी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। मैंने तब भी आपसे कहा था कि कांग्रेस और विशेषतः गांधी परिवार अमेठी जीत नहीं पाएगी। देखिए आज आप तब मुझसे बात कर रहे हैं जब उन्होंने मेरी जीत की घोषणा और अपने हार के साफ संकेत यहाँ पर अमेठी में नामांकन के माध्यम से दे दिए। तो स्मृति जी आज तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई, कांग्रेस से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव अगर राहुल लड़ते तब कठिन होता या अब कठिन है? चुनाव दोनों शर्तों में कठिन नहीं था भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे 5 सालों में, जिसमें से 2 साल कोरोना के बीते, यहाँ पे जमीन पर उतर कर काम किया है। 262 गांव यहाँ है जिनको पहली बार पक्की सड़क मिली है। यहाँ कम से कम 1,14,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। 4 लाख घरों में प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3,50,000 घरों में नलका लगा है। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से सौभाग्य योजना से यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिला है। उज्ज्वला योजना के यहाँ पर 2,20,000 लाभार्थी हैं। राशन यहाँ पे 19 लाख लोगों तक पहुँच रहा है और आयुष्मान भारत का कार्ड 7 लाख परिवारों में बढ़ चुका है, 7 लाख लोगों में। तो आप बताइए इतना काम करने के बाद क्या ये संभव था कि यहाँ से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत जाता? तो अब ये कहा जा सकता है कि 2019 तक राहुल का गढ़ या गांधी परिवार का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी अब स्मृति का गढ़ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी वोटर को किसी भी क्षेत्र को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। जैसे ही गढ़ शब्द का इस्तेमाल होता है लोगों को ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की एक भूमिका रही भारतीय राजनीति में कि क्षेत्र को अपना कह दो फिर जो मन चाहा उस क्षेत्र में करो, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का यही संस्कार है कि भले ही आज गांधी परिवार ने अपना यहाँ से बैकअप कर लिया हो, लेकिन हम फिर भी गांव-गांव जाके बड़े विनम्रता से जनता का एक एक वोट मांग रहे हैं। तो मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगी, आगामी 5 वर्ष पुनः हमें सेवा का मौका मिलेगा, ऐसा कहूंगी। एक बहुत बड़ा वर्ग था कांग्रेस का, वो ये भी कहता था कि शायद प्रियंका गांधी स्मृति जी का सामना करेंगी। देखिए ये क्षेत्र प्रियंका जी को आजमा चुका है। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की वो यहाँ पर अधिकृत नेता थी, उत्तर प्रदेश में उनके पास जिम्मेदारी थी चुनाव लड़वा के जितवाना। इस लोकसभा क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि रही थी। 5 विधानसभा के क्षेत्र हमारे, जिसमें से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई प्रियंका जी के नेतृत्व में, 1 में वो हार गई। तो हम तो आजमा चुके हैं और हरा चुके हैं। 2014 में जब आप आई तो बहुत कम समय आपको मिला, मुझे लगता 15-1 दिन आपको, 22 दिन का समय मिला था चुनाव लड़ने के लिए, और आते ही आपने 3 लाख से ज्यादा वोट गेन किया। करीब करीब 40 मुझे लगता है कि उस समय आपको मिले थे करीब करीब 34% वोट मिले थे। 1,07,000 का मार्जिन था आपकी चुनाव हारने का, आपने उसे 5 साल में बदला और उसके बाद आप सीधे 49% वोट यहाँ से आपने गेन किया और 55,000 से ज़्यादा वोटों से जीती। तो इन 5 वर्षों में जो आपने 2014 से 2019 तक का सफ़र तय किया, आप हार गई थी, चाहती तो आप अमेठी से जा सकती थी, लेकिन क्या सोच के आप रुक गई? क्योंकि ये 22 दिन में 3 लाख लोगों का आप पे विश्वास करना, विश्वास किस बात का किया था? 22 दिनों में मैंने हर गांव में जाकर एक ही बात कही थी कि जीतूँ या हारूँ मैं अमेठी में ही काम करूँगी। जनता को जाके ये भी कहती थी कि कोई गारंटी नहीं है कि मैं 19 की प्रत्याशी बनूंगी, लेकिन काम करूंगी, ये उनको मैंने आश्वस्त किया था। मतलब जो 3 लाख बीजेपी को इस क्षेत्र में कभी भी 30,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, तो 22 दिन में 30,000 वोट से बढ़कर 3 लाख तक पहुंचा देना वोट को, तो उन सब लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, तो उनके विश्वास को कैसे भंग कर सकती थी? तो मैंने चूंकि जबान दी थी तो मैं रही। सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि चाहे जो हो जाए वो वायनाड छोड़कर नहीं जाएंगे। अब वो रायबरेली से वो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, अगर रायबरेली जीत जाते हैं तो क्या फिर से बाई इलेक्शन वहाँ होगा? हर चुनाव जो है
उसका खर्चा टैक्सपेयर उठाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, राहुल जी खुश फहमी पाल के बैठे हैं, या फिर उनकी जो एक विम है, जब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उसका खर्चा जनता भुगतान करती है। मेरे मानना है कि आज न सिर्फ राहुल गांधी की हार और कांग्रेस पार्टी की विशेष शिकस्त का आज दर्शन आपको हुआ है, वायनाड में कितना झूठ बोला है इन्होंने वो भी आज एक्सपोज हुआ है। मेरा मानना है कि अगर वो वाकई में लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें वायनाड में वोटिंग से पहले ही जनता को कह देना चाहिए था कि मैं 2 सीटों से लड़ने वाला हूँ। वायनाड की जनता से छुपाने की जरूरत नहीं थी। तो आप कहाँ देखती हैं धोखा, किसके साथ देखती हैं, राजनीति के साथ या वायनाड? दोनों के साथ, और धोखे का नाम ही राहुल गांधी है। आप इस चुनाव को आसान मानती हैं या जो पीछे जो दो चुनाव? देखिए, मैं किसी भी चुनाव को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। मेरा स्पष्ट मत है, चुनाव न सिर्फ वोटर का अधिकार है, जिम्मेदारी, बल्कि हमारी भी, कि हमें हर वोटर तक पहुंचना है, विनम्रता से उनसे उनका वोट मांगना है। तो प्रत्याशी चाहे कोई भी, आज भी मेरे कार्यक्रम लगे थे, मैंने सारे कार्यक्रम किए, कल भी 10-15 कार्यक्रम लगे हैं, मैं करूंगी। हमें जीत से मतलब है। अगर राहुल गांधी होते तो हारते, वो तो वो भी मानते हैं, वरना लड़ लेते हैं यहाँ से। वैसे स्मृति जी, मैं एक बहुत बेसिक सवाल लोगों के दिमाग में है कि स्मृति ईरानी 2014 में आई, सीधा केंद्रीय मंत्री बन गई, लेकिन स्मृति ईरानी मैं 2 बार रह चुकी हूँ। स्मृति ईरानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो टीवी जगत में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती रही हैं, लंबे समय से जुड़ी रही। कब से जर्नी आपने शुरू की राजनीति की, और थोड़ा सा अगर बताएं? 2003 में महाराष्ट्र में युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष थी, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। बहुत लोग ये बात समझते हैं कि शायद टीवी की एक्ट्रेस थी, इसलिए वो आई और उनको जो है पार्टी ने बड़ा पद दे दिया, सांसद बना दिया। 2001-2 में तो मैं हिंदुस्तान में राजदूत बनी WHO QRS प्रोग्राम के लिए। 2004 में, आज से 20 साल पहले, मतलब 27-28 मेरी उम्र थी। तो आप अगर 25 साल की उम्र में राजदूत बनते हैं, 27 साल की उम्र में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी, और जब आप राजदूत हैं तब आप कोई राजनीति नहीं कर सकते। तो 2 साल राजदूत के तौर पे मैंने सेवा दी अपने राष्ट्र की। फिर WHO का वो असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र प्रदेश में युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान हुआ करते थे, और मेरे साथ एक और उपाध्यक्ष थे जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। मैं भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग आपके बैचमेट हैं एक तरह से। 2003-04 में मैं फिर महाराष्ट्र प्रदेश में, ऐसा नहीं कि आप अचानक आई और 2014 मंत्री बन गई। मैं 2004 में 4-5 में महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव बनी। नितिन गडकरी तब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2004 में मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा, तब मैं 28 साल की थी। तो मेरा कार्यकाल मेरे संगठन का काफ़ी लंबा है, तो मैं 48 की हूँ, लेकिन आज पार्टी में कई लोग हैं जिनसे ज़्यादा संगठन मेरी आयु है। संगठन में लंबा काम किया है आपने जी, तो ये मतलब कोई टेकन फॉर ग्रांटेड वाली? देखिए, अमेठी जैसा किला वो ढह तभी सकता है जब आपका संगठन का एक बहुत ही विराट अनुभव हो। स्मृति जी, राहुल जी आपके सामने चुनाव जरूर लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन राहुल लगातार आपकी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं जी। यदि तीसरी बार इनकी सरकार आ गई तो आप लोग संविधान खत्म कर देंगे, आप लोग इस देश को, देश से मुसलमानों के अधिकार छीन लेंगे। राहुल गांधी जी ने कुरान का भी अपमान किया और हिंदुस्तान के संविधान का भी अपमान किया। कर्नाटक में उनकी सरकार ने तुष्टिकरण की दृष्टि से पिछड़ों के आरक्षण में सेंध लगाई, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो संविधान का हनन है। इस बात को राहुल जी नहीं झुठला सकते। तो जो खुद संविधान को अपने पैरों तले रौंदते हैं, उनके मुंह से संविधान बचाने की बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि OBC और SC इन सबका जो अधिकार, प्रधानमंत्री OBC है, वो क्यों प्रधानमंत्री को हर दिन गाली देते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी जब एक कमजोर वर्ग के परिवार के, गरीब परिवार के व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाते हैं, तब राहुल गांधी तो उनके सामने जाकर प्रणाम तक नहीं करते। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जी का वो उम्मीदवार बनाते हैं, तब कांग्रेस जिस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणियां करती है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन जाती है उसके बाद भी जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी करती है, तब तो राहुल जी कुछ नहीं बोलते। तो ये जानबूझकर बनाया गया एक, ये राहुल गांधी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोलना,
कुछ भी बोलेंगे। एक और बड़ी, आप क्या देखती हैं 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप कैसे सिनेरियो देखती हैं, क्योंकि राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी है, सब लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम ठीक रही, देखिए ऐसा वो तो हार की घोषणा है, 150 से ज्यादा। देखिए हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है जीत का, करेक्ट। नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश से सांसद है, करेक्ट। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ। ये उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था 50 साल। ये छोड़ दिए तो आपको क्या संकेत देने हैं, जीत कौन रहा है? मतलब ये छोड़कर पहले ही उन्होंने हार की घोषणा कर दी। जीत रहे होते तो छोड़ते, कोई छोड़ता है सीट? रायबरेली लड़ाई ऐसी रहेगी ना, रायबरेली अगर जीतने का उनका पूरा विश्वास था तो वायनाड क्यों लड़े? इंडी गठबंधन से आप लोगों को कोई चुनौती मिल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी? इंडी गठबंधन अपने आप के लिए चुनौती है। आज फिर सुनने में आया समाजवादी पार्टी अपने कोई कैंडिडेट बदल रही है, तो जितने अगर उनका इतना विश्वास होता जीत का, इतना कैंडिडेट बदलते क्या? तो मतलब समाजवादी पार्टी को आप मुझे बताइए गठबंधन कहाँ है? शिवपाल जी बोल दिए बीजेपी को वोट करो, अधीर दा बोल दिए बीजेपी को वोट करो, वो तो जुबान फिसल गई। सबकी जुबान फिसल रही इंडिया अलायंस में। तेजस्वी जी बोल गए बीजेपी को वोट डाल देना, और क्या बोलूं? स्मृति जी बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, आपका गला भी बैठा हुआ है, मुझे लगता है लगातार आप। मेरा गला बैठा हुआ है ना बैठा हो, कांग्रेस का भट्टा आज अमेठी में बैठ गया है। तो अमेठी को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल। कितना मार्जिन देखती हैं जीत का? अगर मैं इतना ही कहूंगी कि 4 जून को बाकी देश भर से आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिठाई का डब्बा मिल रहा होगा भाजपा कार्यकर्ताओं से, एक हम अमेठी से भी भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्मृति ईरानी जी थी, अमेठी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, केंद्र में मंत्री हैं और तीसरी बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। सबको यही उम्मीद थी कि शायद गांधी परिवार से फेस ऑफ होगा, लेकिन ना तो राहुल गांधी, ना तो प्रियंका गांधी, ना गांधी परिवार से दूसरा कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि उन्हीं के विश्वस्त केएल शर्मा यहां से भारतीय जनता पार्टी के सामने उम्मीदवार हैं। निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, अमेठी।